हेलो और जी मंजू जी, कैसा लग रहा है आपको सांगला वैली में आके? बहुत अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आ गया ना? पैसा वसूल जगह है, थोड़ी दूर तो है, दुर्गम रास्ते हैं, लेकिन मज़ा आ गया। और क्या प्यारी वैली है ना, फोटो बड़ी अच्छी आ रही है। हम लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत करी, ओके एक बार हम रामपुर से लग रहा था वापसी चले और शिमला और इधर आपका चैल घूम लेते हैं, लेकिन हमने थोड़ी हिम्मत करके कोशिश करी और गाड़ी लेकर हम आ ही गए। दुर्गम रास्ते थे, खतरनाक रास्ते थे, लेकिन यहाँ पर आके इतना महसूस हो रहा अच्छा कि देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे पूरी वैली है, सांगला वैली बड़ी मशहूर थी, सांगला वैली सब कहते, सांगला वैली जरूर थी, इसलिए हमने सांगला वैली में अपना पहले होटल लिया। अब इसके आगे चलते हैं चितकुल में, देखते हैं वहाँ पर भी कैसा माहौल है और किस तरह का एटमोसफियर है वहाँ। बाकी अभी आपको बताऊँ यहाँ पर क्या है कि हवा चल रही है, ठंडी है, लेकिन धूप इतनी तेज है कि बैलेंस हो रहा है। मैं टी शर्ट में हूँ, सिंपल टी शर्ट में आराम से, अब कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं हो रही। बाकी अब चलते हैं हम अपने चितकुल की यात्रा पे। हम होटल में चेकआउट कर रहे हैं, दिन के बज चुके हैं लगभग 11 बजे सुबह के। श्री बद्रीनारायण जी बट से ये हम पहुंच गए रक्षम, ये जगह है रक्षम जहाँ हम पहुंचे हैं। यहाँ से अब लगभग 15 किलोमीटर आगे रह गया चितकुल, सुंदर जगह है। ये हम आ गए रक्षम में, और ये देखिए रक्षम में कितनी ज्यादा कम चौड़ी रोड है, लेकिन जगह वाकई में बहुत सुंदर है, मेसमराइजिंग जिसे कहते हैं ना। ये देखिए सामने पूरा वैली दिख रहा है रक्षम का, ये पूरा का पूरा रक्षम वैली है। वो देखिए सामने, और सामने देखिए रिवर, आप देख रहे हैं रिवर कितनी सुंदर लग रही है। देखिए वो देखिए पहाड़, अभी हम जिन पहाड़ों को दूर से देख रहे थे बिल्कुल समीप आ चुके हैं उनके, हम बर्फ से लदे हुए पहाड़, और अच्छी खासी ठंडक है यहाँ पे, लेकिन धूप की वजह से सब मैनेज हो रहा है। और ये देखिए सामने, अभी हम कोशिश करेंगे कि गाड़ी लेके हम उधर जाएँ, सामने क्या है, कैंप है क्या है, हिसाब किताब है, देखते पता करते हैं। ये रक्षम पहुँच गए, रक्षम वाकई बहुत सुंदर लगा हमें, जिस तरह से सांगला सुंदर था उसी तरह से रक्षम। बीच में और भी कई गाँव पड़े बटेरी वटेरी, लेकिन वो इतने सुंदर नहीं लगे जितने अच्छा लगा हमें यहाँ पे। तो मैंने रुक के थोड़ा देर, मैंने कहा थोड़ा ब्लॉक करता हूँ, आप लोगों को पता चले कि कैसा माहौल है यहाँ का। दोपहर के बज रहे हैं 12:30, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। आगे वहाँ पे थोड़ा जाम लग रहा है, पता नहीं किस वजह से जाम लग रहा है इतना सारा सारा, बार बार गाड़ियाँ रुक रही हैं वहाँ पे। मैंने कहा जब तक गाड़ियाँ रुक रही हैं तब तक हम थोड़ा सा अपना ब्लॉकिंग कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक्स। ये अभी हम आए हैं रक्षम पे, और यहाँ देखिए रक्षम पे क्या हालत हो रखी है, हर तरफ जाम लग रखा है, बहुत कम चौड़े रास्ते हैं इस वजह से यहाँ पे जाम लग गया। हम लोग गाड़ी रोक के यहाँ पे खड़े हो गए, हमने कहा था रोड क्लियर हो तभी आगे निकले, बहुत ज़्यादा गाड़ियों के जाम है यहाँ पे। रास्ते तो बहुत कम चौड़ा है, और आगे एक ट्रक चल रहा है बहुत बड़ा, उसकी वजह से पूरा जाम लगता आ रहा है। ये देखिए सामने क्या हालत हो रखी है, और सामने देखिए पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं बिल्कुल सामने। अभी थोड़ी थोड़ी देर में कितने दूर लग रहे थे, और बिल्कुल अब पास में आ चुके हैं। हमने अपनी गाड़ी देखी सेफ जगह पे, और अपनी गाड़ी हमने यहाँ पे खड़ी कर दी क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा था। हमने कहा थोड़ी देर में वेट कर लेते हैं, आराम से जाम खुल जाए तब चलेंगे। देखिए ये हम पहुंच चुके हैं अब रक्षम, ये देखिए रक्षम कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। देखिए जो पहाड़ भी दूर दूर से मैं बहुत ज़्यादा दूर दिख रहे थे ना, वो देखिए हम उन पहाड़ों की तलहटी में, वो देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ़ के लदे हुए, वो देखिए सामने। देखिए हम पहुँच गए रक्षम, और नीचे देखिए वो कैंप साइड है, देखिए वहाँ पे लोगों ने कैंप लगा रखे हैं तो लोग वहाँ भी रुकते होंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देखिए रोड क्या सुंदर है। रक्षम पहुंच गए, अब यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर रह गया है चितकुल, यहाँ पे थोड़ा जाम लगा हुआ है, रोड बहुत नैरो है तो यहाँ थोड़ा जाम लग गया है। ये देखिए हम पहुंच गए चितकुल, लेकिन यहाँ पर रास्ते इतने कम चौड़े हैं कि देखिए यहाँ जाम लगने की वजह से नौबत आ चुकी है, पूरे रास्ते पर जाम लग गया है। यहाँ देखिए सामने
वो देखिए सामने पहाड़, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे, और वो देखिए सामने कितनी ग्रीनरी है, देखिए इधर सामने पहाड़ वैली, देखिए वैली भी देखिए, हर तरफ ग्रीनरी, पूरा चेक में जाइए देख सकते हैं आप, सामने बर्फ से लदे हुए पहाड़, वो देखिए सामने पहाड़ आप प्यारे लग रहे हैं, और ये देखिए कितने ऊंचे पहाड़, बिल्कुल रेत के पहाड़ सामने देख सकते हैं, यहाँ पे जाम की स्थिति कितनी बुरी हो रही है, हर तरफ जाम, ये देखो सामने क्या हालत है, हर तरफ जाम ही जाम, गाड़ियां निकालना मुश्किल लगता है, सामने तक जाम ही जाम, पूरा जाम ही जाम, कुछ लोगों की गलतियों की वजह से ये होता है, सुना चाह रहे हैं जबरदस्ती सारा सारा जाम पड़ा, जबसे ये नहीं थोड़ा सबर कर ले, गाड़ी को दबा लें, अब पूरा जाम हो चुका है, देखिए बाजी बाजी इतने बेवकूफ़ लोग आते हैं, सबर ही नहीं है, ये देखिए क्या हालत हो रही है, क्या हालत हो रही जाम सामने देख सकते हो, गाड़ी निकलेगी नहीं तो दूसरी गाड़ी चढ़ेगी कैसे, और वो सारा सारा जाम, बताओ लोग इतने आते हैं यहाँ पर भी, गाड़ियों भी जाम होने लग चुके हैं, तो आप देखिए सामने क्या हालत हो रखी, हर तरफ जाम ही जाम, अटकल में आए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी जाम मिल गया, दिल्ली की तरह देखिए, कहीं भी चले जाओ बस जाम, तो भैया दिल्ली वाले हरियाणा वाले सब पहुँच जाते हैं, पंजाब वाले देखो और जाम लगाना शुरू कर देते हैं, ये देखिए बस अभी गाड़ियाँ निकल ही रही हैं, बस अभी ये देखिए जाम की क्या हालत रखी है यहाँ पे, हर तरफ जाम ही जाम, वो देखिए आगे बस एक बस फंस गई है वहाँ पे, देखिए सामने दिख रहा है आपको, एक बस फंस गई है, उस बस की वजह से सारा का सारा रास्ता जाम हो रहा पड़ा है, और ये देखिए क्या हालत हो गई यहाँ पर, ना गाड़ी आगे बढ़ रही है ना आगे गाड़ी पीछे हो पा रही है, इतनी बुरी हालत हो रखी है वहाँ पे, देखिए जाम में फंसे हुए कम से कम आधा घंटा हो गया, और ये देखिए तो सामने एक बैंड है, उस बैंड के ऊपर गाड़ियां निकल नहीं पा रही या क्या वजह है, सभी गाड़ियां वहां पे जाम हो रही है, देख सकते हैं आप, एक घंटा हमें लगभग आधा घंटा हो गया, रश ज्यादा आया हुआ है, सामने बैंड है वहाँ पे गाड़ी निकली है, बहुत ही कम चौड़ा बैंड है वहाँ पे, देखिए गाड़ियाँ अटक गई, इससे सारी सारी गाड़ियाँ निकली, आधे घंटे से जाम जाम है, और आखिर जाम लगना शुरू हो गया,
पंचायत चित्तूर आपका हार्दिक स्वागत है। यह पहुंच गए हम चित्तूर। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से वैली पूरा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। ये अब हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल चित्तूर, ये लास्ट है यहाँ से। इसके आगे वो देख रहे हैं आप रेड रेड, वहाँ तक लास्ट जा सकते हैं, उसके बाद जाना बैन। और देखिए यहाँ पे जाम लग रहा है, थोड़ा जाम लग रखा था। और मैंने यहाँ पे यहाँ हिमाचल प्रदेश PWD के ये रेस्ट हाउस से मैंने यहाँ गाड़ी यहाँ पे चला दी। मैंने थोड़ा यहाँ से दिखाई देगा अच्छा लगा। पूरा जाम लगा पड़ा है उस तरफ तक, पूरा जाम लगा। सामने देख रहे हैं कहाँ तक गाड़ियाँ जानी लगा। वहाँ पर एक कहते हैं चेक पोस्ट, उसके बाद पुलिस वाले आगे जाने देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कितनी प्यारी वैली लग रही है, कितनी खुली और प्यारी वैली लग रही है। यहाँ अच्छी खासी ठंड है, मौसम बड़ा अच्छा है। लेकिन यहाँ पर होम स्टे बहुत है, मैं देख रहा हूँ होम स्टे तो बहुत है। बता रहे 2-3 दिन तो यहाँ पर इतना ज़्यादा जाम था और कितनी ज़्यादा पब्लिक थी, बहुत ज़्यादा पब्लिक। कहने संडे की वजह से पब्लिक निकलने की होगी नहीं सुबह से, तो कह रहे अभी कुछ भी जाम नहीं। मैं तो अभी बात करता कि जाम इतने हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ ये तो कुछ भी जाम नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले देखते हैं अभी जाम जाम। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम रुकना चाहेंगे तो किसी होम स्टे में रुकेंगे, देखते हैं अगर रुकने की इच्छा करी तो रुक सकते हैं लोग यहाँ पर। बाकी मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रखा है, देखिए ये है चित्तूर। बड़ी वीडियोस देखी थी हमने और आज खुद सामने देख के अच्छा लग रहा है। ये देखिए हम लोग पहुंच गए चित्तूर, बिल्कुल मेन चित्तूर जो यहाँ पे मिलता है। देखिए सामने देखना पूरा जाम हुआ, पूरा जाम, कितनी भयंकर जाम हो रखा है। हमें कम से कम आधा घंटा तो हमें जाम में लगे खड़ा होता रह गया, कम से कम जाम में हम कम से आधे घंटे तक खड़े हुए। लेकिन भाई वसूल है, ये देखो क्या प्यारी हवा है पहाड़ों पे, देखो क्या प्यारी हवा आ रही है मेरे पीछे। इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे और हवा बिल्कुल प्योर, बिल्कुल प्योर हवा, ऑक्सीजन बढ़िया। लोग कह रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कमी है, लेकिन मुझे तो ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई, मेरे बच्चे तक तो किसी को महसूस नहीं हुई। हम आराम से पहुँच गए, कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई हमें। पीछे हम सोच रहे थे ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद लें, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के हमें सिलेंडर की जरूरत पड़ जाए ऑक्सीजन के। लेकिन हमें बिल्कुल कहीं भी पूरे रास्ते में कहीं महसूस नहीं हुआ। और ये देखिए रास्ता कितना बढ़िया रास्ता है, और ये देखिए पब्लिक, बहुत पब्लिक आ रखी है, कहना बहुत ज़्यादा पब्लिक आ रखी है। और ये देखिए सामने सामने वो रिवर बहती हुई, देखिए कितनी प्यारी लगी है साहब, देख रहे हैं आप लोग सामने रिवर और वो सामने बर्फ के पहाड़, मेसमराइजिंग, क्या बढ़िया लग रहे हैं, ऑसम भाई। ठंड देखो, ठंड का आनंद है, पूरी की पूरी ग्रीन वैली, इतना चौड़ा लैंडस्केप है, देखिए कितना चौड़ा लैंडस्केप है। मजा आ गया यहाँ पे घूम के। वो सामने, वो सामने दूर तक देख रहे हैं आप लोग, सामने दूर तक तो सामने चेक पॉइंट है, वहां तक जा सकती है गाड़ी। अभी कोशिश करेंगे गाड़ी वहां तक लेके जाएं लास्ट पॉइंट तक। बाकी अभी जाम लग रहा है, इस वजह से मैं मना कर रहा हूँ गाड़ी को ले जाने के लिए, सामने जाम लग रहा है इसलिए मैं गाड़ी लेके नहीं जा रहा। और सामने देखिए क्या नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह, एक बार जरूर आए। बाकी इतना चौड़ा कैनवास है, देखिए अपनी आंखों से देखने में जो आनंद है ना वो तो अलग है, उसका तो कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन मैं कैमरे के थ्रू जितना आपको दिखा सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ, मैं छोटे एक दो मिनट की वीडियो नहीं बनाता, दिखता बनाता, थोड़ी लंबी लेंथ हो लेकिन आपको दिखने में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और देखिए कितनी प्यारी वीडियो बन रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक्स। मेरे चैनल का नेम है
एक्सप्लोर विद प्रवीण राजोरा। ये देखिए, ये हम चितकुल से लगभग 2 किलोमीटर और आगे आए हैं और यहाँ पे आगे देखिए, ये बिल्कुल बॉर्डर है यहाँ का। देखिए ये पूरा पूरा बॉर्डर है, इसके आगे जाने नहीं दे रहे। What happened? क्या हुआ, क्या हुआ, चलोगे क्या साथ में? अच्छा फिर बैठो गाड़ी में, फिर हम जाएं, फिर स्वागत होके आते हैं, ठीक है? ये यहाँ पर है वेलकम यू एट नगास्ती प्रोहिबिटेड एरिया, नो एंट्री विदाउट परमिशन ऑफ ITPP। इसके आगे आपको जाना बिल्कुल बैन है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लास्ट है जहाँ तक अपनी गाड़ी आप लेके आ सकते हैं। अभी चितकुल से लगभग 2 किलोमीटर गाड़ी और रन की, गाड़ी हमने यहाँ पार्किंग कर दी और अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ से बिल्कुल डी एंड है, गाड़ी आगे जा ही नहीं सकती, बैरिकेडिंग कर रखी है। और सामने देखिए क्या नजर है, वेलकम इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स 2nd बटालियन नगास्टी पोस्ट इंडिया 1st लाइन ऑफ डिफेंस। इस बोर्ड को आप देख सकते हैं, इसके आगे बढ़ना आपके लिए बैन है बिल्कुल। पहले पहले हम जा सकते हैं, थोड़े फोटो खिंचा सकते हैं, उसके अलावा जो जाना हमें मुश्किल दिख रहा है। ये देखिए अभी हम आए थे यहाँ पे, यहाँ पे लास्ट आप गाड़ी लेके आ सकते हैं और पैदल आप यहाँ तक आ सकते हैं लास्ट बॉर्डर पे, क्योंकि यहाँ वीडियो बनाना बैन है, इसलिए मैं वहाँ वीडियो नहीं बना रहा, तो थोड़ी इस तरफ कर रखी वीडियो ताकि हम सिर्फ इस तरफ इधर देख पाएँ, हम मना कर रहे हैं वीडियो नहीं बनानी है। तो आप देखिए बिल्कुल देखिए क्या, ये देखिए हल्की हल्की बरसात होनी शुरू हो गई यहाँ पे, अब हल्की हल्की बरसात होनी शुरू हो गई, बच्चे ये देखो मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपना। और ये देखिए मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय कर रहे होंगे। बाकी देखिए मैं जहाँ तक गाड़ी ले जा सकता था गाड़ी ले गया और जहाँ तक मैं जा सकता था वीडियो कवरेज कर सकता था करीब। अब आप देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कभी बोलता नहीं हूँ, पहली बार इस वीडियो बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए सामने
ये अभी हम आ रहे हैं लास्ट बॉर्डर, चिटकुल से लगभग 2 किलोमीटर आगे था वहाँ लास्ट था बॉर्डर, उसके आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। हम वहाँ तक गए गाड़ी लेके, पर अब गाड़ी लेके हम वापसी चिटकुल की तरफ जा रहे हैं। अरे मैंने तेरे को क्या कहा था आशु, क्या कहा था? बता तो दी, खड़े करके रोक भैया। लंच में क्या क्या है भैया? क्या क्या है लंच में? ब्रेड ऑमलेट, टुक्का है, टुक्का टुक्का नहीं, तो ब्रेड ऑमलेट कितने का है जी? 80, तो आप लगाइए 3 लगाइए ब्रेड ऑमलेट, ठीक है। और मैगी भी खाना आपने? हाँ, टुक्का टुक्का नहीं। अब भैया एक मैगी बनाना, लेकिन बगैर वेजीज के, कोई वेजिटेबल मत डालना इसमें, ठीक है। कितने की मैगी? हाँ प्लेट बना दीजिए, ठीक है। बच्चे ना घूम घूम के परेशान हो गए और लगातार गाड़ी वाले थक गए, अब थोड़ा इरिटेट हो गए, कह रहे पापा कहाँ घुमा लाए, कहाँ घुमाने के लिए लिया है। देखिए अब जो ही बात है, थोड़ा दूर तो पड़ा, मुझे भी लगता है बच्चे थोड़ा गुस्सा खा रहे हैं अब कि भाई गुस्सा हो गए, चलिए कोई बात नहीं। ये जो है अब आप देखिए, अब आप देखिए, मोमोज कैसे बेटा? सही है, अच्छा लगे ना? चाय कैसी है? अच्छी है। चाय कैसी लगी? बढ़िया ना? खाना वाकई बढ़िया, खाना अच्छा है। हमने एक बार सोचा अपनी गाड़ी से अपना गैस निकालें और अपना खाना बनाएं, लेकिन बरसात के ऐसे ओपन में कर नहीं सकते, तो हमने एक छोटा सा टपरी टाइप देखा और यहाँ रुक गया। और हमने यहाँ पे रुक के
चल रहे हैं चितकुल से सांगला की तरफ, और आप देख सकते हैं रास्ते पे बरसात हो रही है लगातार। हम धीरे धीरे 25-30 की स्पीड पे गाड़ी निकाल रहे हैं धीरे धीरे, ताकि आराम से अपने गंतव्य पे पहुंच जाएं। वाकई में बहुत अच्छी जगह है चितकुल, मैं तो रिकमेंड करूंगा जरूर आएं। रास्ते वाकई में थोड़े दुर्गम हैं, खतरनाक रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पे आके चितकुल में आके आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया विलेज है, अच्छी जगह है। आपको कैसा लगा चितकुल? बढ़िया मजा आ गया ना चितकुल घूम के? मजा आ गया ना? बड़ा मजा आया चितकुल घूम के बेटा। लेकिन पैराग्लाइडिंग नहीं हुई आपकी, है ना बेटा? ये देखिए सांगला की तरफ जा रहे हैं हम, और बीच में रास्ता पड़ता है, ये जगह है रक्षम। कितना सुंदर विलेज है देखिए। ये देखिए अभी हम वापसी आ रहे थे चितकुल से, और वापसी आते हुए देखिए कितना सुंदर नजारा है। देखिए ये यहाँ पे जगह है देखिए, और ये देखिए कितना प्यारा नजारा है देखिए, सामने कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे देखिए। और अभी हम उन पहाड़ों की तरफ से आ रहे हैं, बिल्कुल चितकुल से आ रहे हैं। ये देखिए बहुत तेज बारिश थी, यहाँ थोड़ी बरसात थोड़ी कम हुई, लेकिन ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सामने नदी बह रही हुई है, नदी जा रही है, सतलुज नदी है ये। और ये देखिए सामने नीचे घर बने हुए हैं, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। खुली वैली है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से देखिए। और सामने देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कितने ऊंचे पहाड़ हैं ये देखिए। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से ये देखिए। वहाँ पर लगता है कुछ जाम हो गया है, गाड़ी में बैक मार रहा है। और ये देखिए सामने ट्रक आ रहा है, उस ट्रक की वजह से देखो जाम लग गया यहाँ पे। सामने ट्रक आ रहा है, उस ट्रक की वजह से जाम लग गया। गाड़ी तो पैक करनी पड़ेगी, मुश्किल हो जाएगी। ऐसे पहाड़ों में मुश्किल में फंस जाते हैं, इसलिए कंपेनियन होना बहुत जरूरी है। ये लो ट्रक आ रहा है देखिए, ट्रक की वजह से पूरा पूरा जाम लग गया यहाँ पे। बहुत चौड़ा ट्रक है, गाड़ी नहीं निकल पाएंगी, इसलिए हमने भी गाड़ी थोड़ा सा पास में लेके खड़ी कर दी हमने। वो देखिए सामने पूरा आगे स्ट्रेच पूरा जाम हो रखा था, हमने गाड़ी यहीं पे रोक ली थी। तो सामने देखिए जाएगी जी आपकी टोपी। वो देखिए सामने कितना सुंदर लग रहा है।